दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं, आज हम लोग महाप्रैक्टिस बैच की सीट नंबर 10 को आज हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो महाप्रैक्टिस बैच की सीट नंबर 10 में हिंदी किस तरह की है ना, है कैसी है, आज चलिए हम इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस, तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है आपका ये, ठीक है, यहां दिया है ध्रुव स्वामी के रचयिता। तो ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है, है ना। रचयिता होता है ये वर्तनी में भी देख लेना, ये रचयिता ही होता है वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो रचयिता होता है, तो ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है, कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद है या सुमित्रानंदन पंत है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या फिर आपके महादेवी वर्मा है। तो आप लोग जानते हो कौन से हैं ध्रुव स्वामी के रचयिता जो है, वो आप सभी लोग जानते हो कौन से है, जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामी के रचयिता है। यस, अगला क्वेश्चन, पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है। यस, पद्मावत जो है वो किसकी रचना है, आप सभी लोग जानते हो, क्या नाभादास ने लिखी है, क्या नाभादास की है, नहीं है। अच्छा, केशवदास की है, नहीं, रॉन्ग आंसर है। क्या तुलसीदास की है, नहीं, तुलसीदास की भी नहीं है। पद्मावत किसकी है, पद्मावत आपकी जो रचना है वो किसकी है, जायसी की रचना है। कौन सी, पद्मावत आपकी जायसी की रचना है ना। यस, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यथेष्ट का इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है ना। यस, तो कौन सा, ये देखिए, यथाधन इष्ट होगा, यथोधन इष्ट होगा, यथाधन एष्ट होगा या यथुधन इष्ट होगा, है ना, ये बताना है। तो यथेष्ट का जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका ये शब्द है यथा, कैसे, यथा धन, क्या लिखेंगे, इष्ट, क्या, यथा धन इष्ट, है ना, कौन सा लिखेंगे, यथा धन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यथेष्ट हो जाएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो कौन सा है हमारा, सही संधि विच्छेद जो है वो आपका ऑप्शन ए वाला आप लोगों ने भी किया होगा। यस, है ना, आप लोगों ने किया है। हाँ, कौन सी संधि है, तो इसमें गुड़ संधि है। कौन सी, गुड़ संधि है, है ना, कौन सी संधि है, गुड़ संधि है इसमें। तो आपका यथा धन इष्ट बराबर हो जाएगा कौन सा, यथेष्ट हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला देखो, एक एक में कौन सी संधि है, संधि पूछी जा रही है कि भैया एक एक में संधि कौन सी है ना। यस, तो संधि बताना है ना, तो कौन सी है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि। ज्यादातर आपने देखा होगा कि 90% ऐसा होता है जिनमें दो मात्राएं होती हैं उनमें हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो इसमें वृद्धि संधि का ऑप्शन कौन सा है, ये करके भी देख लेते हैं, कैसे वृद्धि संधि बनती है उसको भी देख लेते हैं, है ना। जब भी आप जानते हो आ और आ के बाद आप जोड़ेंगे क्या, ए या फिर आप आई जोड़ेंगे, है ना, ए या आई जोड़ेंगे, तो इसका आ प्लस आ ऑब्लिक आ के बाद जब ए आई आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाता है, आप जानते हो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और जब भी आप जानते हो आ ऑब्लिक आ के बाद तभी भी आपका ओ या क्या आ जाए, ओ ऑब्लिक औ आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, तो आ और आ के बाद ए आई आ जाए तो ऐ, और आ के बाद ओ और औ में कोई भी आ जाए तो औ हो जाता है। चलो देखते हैं क्या ये आ रहा है, देखते हैं, एक एक लिखा है, एक एक को कैसे संधि विच्छेद करेंगे देखेंगे। एक एक धन एक, एक धन एक, इसमें एक में देखो का है, का में कौन सा स्वर है, का में स्वर बता बेटा, का में आ स्वर है,
इधर क्या है आपका, इधर ए है ना। तो आ के बाद जब भी आ के बाद ए आता है क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना। इस काम से जब इस काम से जब आ चला गया, यहाँ आधा का बचा ना बेटा, आधे का तो बचा। अब इस आधे का में जब ए लग ए आपका जुड़ा तो यहाँ पे का पूरा हो गया और मात्रा का है कि हाँ। हमने आपको बताया था कभी भी जब ये लिखा होता है तो इसकी मात्रा हमेशा एक होती है, और जबकि आई लिखा होता है इसकी मात्राएं हमेशा कितनी होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, एक की ए मात्रा, एक मात्रा आई की, दो मात्राएं। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो दो मात्राएं चढ़ेंगी, तो कई अब यहाँ क्या बचा, ये आपका का बचा, तो हो गया क्या, एक एक, कौन सा हो गया, एक एक हो गया। और कौन सी संधि बन गई, वृद्धि संधि बन गई, कौन सी, वृद्धि संधि आपकी बन जाती है, ठीक, ऐसे करके बना। गोपाल में कौन सा समास है ना, गोपाल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, नहीं है भाई, द्वंद समास है, द्विगु समास है, या फिर आपका बहुव्रीहि समास है ना, गोपाल है ना। तो पहले तो देखो आप लिखते हो गोपाल, गोपाल का हम लोग समास विग्रह करें तो क्या जाएगा, गौ को गोपाल, गो माने क्या होता, गौ तो होता है, गौ को पालने वाला, गौ को पालने वाला, जो गौ पालक होता है, गौ को पालने वाले को हम गोपाल कहते हैं, गौ को पालने वाला। एक तो आपका ये हो गया इसका समास विग्रह, गौ को पालने वाला जिसे आप कहते हो गौ पालक या गोपाल है ना। अच्छा गोपाल अर्थात, एक तो ये हो गया गौ को पालने वाला, एक अर्थात में चला जाता है गौ को पालने वाला। गोपाल आप जानते हो, आप श्रीकृष्ण को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है गोपाल, किसे, श्रीकृष्ण को, अर्थात श्रीकृष्ण भी बनता है इसका। तो यदि गौ को पालने वाला यदि को आ जाता, को आ गया तो यहाँ तत्पुरुष समास बन सकता है, कौन सा, तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास जो है वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका है, फिर अर्थात जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो आपका चला जाता है कौन सा, जब तीसरा पद प्रधान होता है तो आपका बहुव्रीहि समास चला जाता है, कौन सा, बहुव्रीहि समास चला जाता है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वैसे भी यदि तत्पुरुष समास दिया जाए और बहुव्रीहि समास, यदि दोनों समास ऑप्शन में है तो ध्यान रखना है हमें कौन सा चुनना है, हमें हमेशा बहुव्रीहि समास को प्रधानता देनी है। यदि कभी भी तत्पुरुष समास बहुव्रीहि समास आ जाए तो आपको बहुव्रीहि समास को प्रधानता देनी है, तत्पुरुष को नहीं। कभी भी कर्म धारा समास और आपका बहुव्रीहि समास एक साथ आ जाए, उसमें दोनों बन रहे हों यदि समास, तो ध्यान रखना बहुव्रीहि समास को प्रधानता, हर जगह बहुव्रीहि समास को प्रधानता दी जाती है ना, यस। तो अब यहाँ तत्पुरुष समास तो है ही नहीं, तो हम फिर यहाँ कौन सा, बहुव्रीहि समास लिखेंगे, ठीक है, ये चीज। सप्तसती है ना, सप्त माने होता है सात, है ना, सप्त माने क्या होता है, ये आपका जो सप्तसती है, सप्त और सती, ठीक है। तो सप्त मीन्स क्या होता है, सात होता है, और सती मीन्स होता है सौ, तो सात सौ, सती माने सौ, शताब्दी होता है, सौ की होती है, तो 700 का जो समूह होता है, सप्तसती का मतलब 700 का समूह है ना, कह सकते हो 700 छंदों का समूह हो सकता है ना। तो किसी 700 के समूह को जो है सप्तसती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्तसती बोलते हैं, 700 है ना, 700 का समूह या 700 छंदों का कोई काव्य है, 700 छंदों का कोई काव्य है, 700 छन्नों का काव्य, कोई ऐसा काव्य है जिसमें कितने छन्न है, 700 है, तो 700 ये क्या है, क्या दर्शा रहा है, ये समूह दर्शा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जब पहला पद, इसमें दो पद है, एक तो आपका पूर्व पद है और एक आपका जो है उत्तर पद है। जब पूर्व पद संख्यावाची हो, कैसा हो, संख्यावाची हो, तो सब सदी में आपका पूर्व पद कैसा है, संख्यावाची है। जब आपका संख्यावाची है तो आपका पूर्व पद जब संख्यावाची होता है, कौन सा, द्विगु समास होता है, कौन सा होता है, द्विगु समास होता है ना, यस।
तो यहाँ पे आपका जो है वो द्विगु समास बन जाएगा। ठीक, ये हमने याद करा है, दुगु का मतलब ऐसे द्वितीय से, है ना, जैसे दुगु में यहाँ पे द्वितीय जैसा है ना, द्वितीय। अब द्वितीय क्या है, संख्या है। तो ध्यान रखो, जब भी आपको है ना द्विगु समास होगा, जब भी आपकी संख्या दी होगी तो हमेशा द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु का अर्थ संख्या से होता है, ध्यान रखो। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो 700 का समूह या 700 छंदों के काव्य को हम कहते हैं क्या, सप्तसती। पहला पद संख्यावाची हो, है ना, तो इसमें पहला पद कैसा है, संख्यावाची है, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐश्वर्य का पर्यायवाची। हाँ, ऐश्वर्य माने क्या होता है, यस होता है, यस मान बढ़ाई होता है, मान बढ़ाई, है ना, ये मान बढ़ाई वैभव यही तो होता है। तो इसका आप देखो, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाए, वैभव हो जाएगा, है ना, ऐश्वर्य का मतलब यस मान बढ़ाई वैभव, तो इसका ये हो जाएगा, दरिद्रता नहीं होगा, ये तो अपोजिट धनवान भी नहीं, वैभव होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, मकरंद किसका पर्यायवाची है, तो मकरंद किसका पर्यायवाची है, क्या कल्प वृक्ष का है, वारी जल का है, क्या कंगाल का है, गरीब का है, नहीं, मकरंद किसका है, कमल का पर्यायवाची है, किसका, कमल का पर्यायवाची है, है ना। इसके पर्यायवाची और भी तुमने पढ़े हैं, जलज पढ़ा है, क्या जलज पढ़ा है, ये पढ़े देखो, जलज, पंकज, वारिज, वारिज, तोयज, नहीं ये सब जा वाले, जिनके अंत में क्या आता है जा, तोयज, अंबुज, हम अंबुज, है ना, ये इंदीवर, कौन, इंदीवर, इंदीवर भी होता है, राजीव, आपने राजीव पढ़ा है इसका, है ना, पढ़ा है राजीव, उत्पल, उत्पल, है ना, उत्पल, ये आपने पढ़े हुए, ये सभी किसके पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, यस। अगला देखो, सब स्वप्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, स्वप्न का विलोम शब्द पूछा है, स्वप्न का दीर्घ होगा, अरे भैया ये तो लघु का दीर्घ होता है, विषाद, विषाद माने दुख होता है, विषाद का तो है ना, सुख का दुख होता है, तो विषाद ये दुख वाला है, जागरण स्वप्न में सोता है व्यक्ति, और इसका क्या हो जाएगा, जागरण, जागरण अवस्था होती है, जागृत वाली अवस्था को जागरण कहते हैं, और सोने वाली अवस्था में स्वप्न आते हैं। ठीक है, तो आपका जागरण हो जाएगा। ठीक, अगला, स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, स्वच्छता का विपरीतार्थक स्वच्छ होगा, अरे स्वच्छ ये हो सकता था, लेकिन विपरीतार्थक पूछा है, ये तो पर्यायवाची है और वो भी विशेषण है, तो ये भी नहीं होगा, क्या अस्वच्छ हो जाएगा, अस्वच्छ, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये आपका संज्ञा है, लेकिन ये आपका विशेषण है, इसलिए नहीं होगा, तो स्वच्छता का अस्वच्छता, यही तो संज्ञा है, संज्ञा का, क्योंकि विलोम शब्द विपरीत विपरीतार्थक शब्द हमेशा सजाती होने चाहिए, कभी विजाती नहीं होना चाहिए, संज्ञा के लिए संज्ञा चुनना होता है, विशेषण के लिए विशेषण, यही तो इसमें बात है, यदि यहाँ पे ता लगा हुआ है तो ये आपका क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए आपको संज्ञा ही चुनना पड़ेगा, ये आपका संज्ञा है, यदि किसी आप यदि चुन लेते हो अस्वच्छ चुन लेते हो, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका जो है विशेषण है, क्या है, विशेषण, तो ध्यान रखना है, यदि ऊपर संज्ञा पूछा गया है तो आंसर भी संज्ञा ही देना है, ऊपर विशेषण है तो नीचे भी विशेषण ही देना है, है ना, ऊपर यदि क्रिया विशेषण है तो नीचे भी क्रिया विशेषण देना है। ठीक, स्वधर्म, स्वधर्म का विपरीतार्थक, तो स्वधर्म मीन्स क्या होता है, अपना धर्म, क्या होता है, अपना, और स्व का विलोम क्या होता है, पर, तो पर धर्म, इसका मतलब किसी दूसरे के धर्म को पर धर्म कहते हैं, तो स्वधर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पर धर्म हो जाएगा, सुधर्म भी नहीं होगा, धर्मात्मा भी नहीं होगा, धर्मांध भी नहीं होगा। ठीक है, यस, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा, ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बात को, किसी एक बात को बार बार दोहराते रहना, इसके लिए क्या, संस्मरण,
नहीं, संस्मरण नहीं, वो तो स्मरण होता है, वो स्मरण होता है, स्मरण माने किसी चीज को याद रखना, वो अलग होता है। ये रेखा चित्र होगा, अभ्यास होगा, नहीं उसे कहते हैं पुष्ट पृष्ठ पोषण। क्या होता है? पृष्ठ पोषण होता है, उसे कहते हैं एक बार कही बात को दोहराते रहना, क्या हो जाएगा? पृष्ठ पोषण है ना। अगला, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति की बात है, व्यक्ति की बात है, तो आप कहोगे पिपासु। क्या कहोगे? पिपासु। यदि इतना कह देता वो कि पीने की इच्छा, यदि ये कह देता पीने की इच्छा, ये पूछ लेता आपसे, तो आप लिख देते पिपासा। क्या लिखते आप? तो आप लिखते पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? अरे घोटक, घोटक माने जानते हो, घोटक माने घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। जिसके पर्यायवाची पढ़े अश्व, क्या होता है? जिसके पर्यायवाची आपने पढ़े हैं अश्व, पर्यायवाची घोड़ा का है। सैंधव है, क्या है? सैंधव है ना। तुरंग है, क्या है? तुरंग है ना, तुरंग है। चक्रीवान है, कौन सा? चक्रीवान भी है, चक्रीवान, चक्रीवान है, तुरंग है, सैंधव है, अश्व है, घोटक है, ये सब किसके? घोड़ा के पर्यायवाची। रविशुत है, क्या है? रविशुत है ना, ये सभी किसके? घोड़ा के पर्यायवाची है ना। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा, तो उपसर्ग निकालना। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। जो शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो देखो, भाषा से पहले लगा है, ये भाषा आपका जो है, ये भाषा आपका मूल शब्द है। अब उससे पहले यहाँ जुड़ा है क्या? परिभाषा। तो परिधन भाषा बराबर क्या हुआ? परिभाषा। तो यहाँ पे परि जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ? परि उपसर्ग है ना। परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? परिग्रह। तो ऐसे लिखोगे परि धन ग्रह है ना, यस। तो क्या हो जाएगा? परिग्रह। परिग्रह जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। मूल शब्द क्या है? ग्रह। ग्रह के पहले लगा है क्या? परि। तो परिग्रह में परि उपसर्ग हो जाएगा है। अगला है, अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ क्या है? अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ क्या है? किसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य। जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य है। हम लोग कह देते हैं कि पहले सब कुछ गड़बड़ चलता रहता लेकिन अंत में कुछ ठीक ही होता है, तो हम कह देते हैं जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य ही माना जाता है। तो ये आपका उत्तम कार्य ही है। अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ है। जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य होता है। मृत्यु से बस बाधा खत्म हो जाती है, गलत। ठीक है, अंतिम आदमी ही भला होता है, गलत। अंत में आने पर फायदा होता है, गलत है ना? अगला, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली, क्या बिजली की गर्जना तीव्र होती है? नो। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, ये हो सकता है। अपनी कुशलता देखनी चाहिए, नो। सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं। अपनी गरज बावली का मतलब स्वार्थी जो व्यक्ति आदमी होता है तो दूसरों की चिंता नहीं करता है, उसे कहते हैं अपनी गरज बावली है ना, यस। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है ना, किसकी वर्तनी शुद्ध है? अभित्थान, अभुत्थान, अभ्युत्थान। तो वर्तनी शुद्ध है किसकी? अभित्थान की। देखो कैसे, इसका आप सद्य विच्छेद कर लिया करो, वर्तनी सही जाननी हो तो इसका कैसे लिखोगे? अभी अभी अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान, ये हो गया आपका।
तो अभी में यहाँ क्या आ गया E और यहाँ क्या है E प्लस U बराबर क्या हो जाता है E का क्या सॉरी E का क्या हो जाता है या हो जाता है, ये U स्वर है तो स्वर हो गया है ना। अब यहाँ पे जब ये देखो E था इसमें भी था, ये आपका जो भी है भी में आपका ई स्वर चला गया तो यहाँ क्या बचा यहाँ पे आधा भाव बचा, आधे भाव में जब यहाँ आधा भाव बचेगा आगे यू लिखा हुआ है, ये ऊ तो इधर लिख दिया मैंने है ना, तो यहाँ पे बचा क्या आपका ये आपका आ बचा, यहाँ से आधा भाव बचा, ये आपका यू है अभी और यहाँ आपका बचा क्या थान बचा, तो ये हो गया आपका अभ्युत्थान। तो अभ्युत्थान इसी का तो है, तो इसकी संधि जो संधि विच्छेद होता है अभिधन उत्थान, क्या होता है अभिधन उत्थान बराबर अभ्युत्थान है ना। यस सही विकल्प का चयन कीजिए, उपर्युक्त उपर्युक्ता उपर्युक्त अपयुक्त ये गलत है, उपर्युक्त होता है क्या होता है उपर्युक्त, कैसे उपर्युक्त ये शब्द ऊपर देखो ऊपर युक्त ऐसे ऐसे है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम इसका संधि विच्छेद करो, देखो ऊपरी और धन क्या उक्ति इसका बनेगा ऊपरी धन उक्ति, है ना ऊपर लिखा हुआ कथन यहां उक्ति न करके इन्होंने लिखा है तो यहां पे फिर उक्त करना पड़ेगा क्या ये ऊपरी धन आपका उक्त सॉरी ऊपर धन उक्त है। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या है ऊ है, ई का क्या हो जाता है या तो स्वर क्या है यू, तो ये आपका ये तैयार हो गया तो यहाँ से आपका उप मिला ये। अब री में से जब ई चली गई तो आधा रा बचा तो आधा रा जो है वो इसके ऊपर उड़ा दिया जाएगा, ये आपका ऊपर ये हो गया ऊपर ही और यहाँ क्या बचा उक्त, तो क्या हो गया ऊपर युक्त ऊपर ही धन उक्त है ना, जो चीज ऊपर ही उक्त है उसे कहेंगे ऊपर युक्त है ना। यस ये है आपका ऊपर युक्त, तो ऐसे आपका जो है वर्तनी कौन सी सही है ये वाली सही है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर का स्थायी भाव क्या होता है भय होता है शोक होता है निर्वेद या उत्साह, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आप लोग जानते हो उत्साह होता है। भय भय किस रस का स्थायी भाव है बताओ, भय किस रस का स्थायी भाव है ये आपके रस है, कौन से रस का स्थायी भाव है भय, तो भयानक रस का है, किसका भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है भय है। शोक किस रस का है ये आपका करुण रस का है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है शोक है। निर्वेद किसका है ये शांत रस का स्थायी भाव है, किसका शांत रस का स्थायी भाव क्या है निर्वेद है, शांत रस हमारा नमुआ रस है, कौन सा है हाँ शांत रस हमारा नमुआ रस है ठीक है, तो ये आपका है। और उत्साह का उत्साह किस रस का स्थायी भाव है वीर रस का है ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर आपका हो गया उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ठीक। अगला छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता जो है वो आपके पिंगल ऋषि माने जाते हैं, कौन से पिंगल ऋषि जो है वही आदि प्रणेता माने जाते हैं पिंगल ठीक है। अगला कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है ये छंद वाली बात है, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, तो आपने ये एक सूत्र पढ़ा होगा यमाता यमाता राज भान सलगा, पढ़ा है भान सलगा छंद में ये सूत्र आपको बताया जाता है गणों की गिनती के लिए, गणों की गिनती के लिए ये सूत्र बताया जाता है यमाता राज भान सलगा। अब यहां से बनता है यगड़, क्या बनता है यगड़ ऐसे बनता है यगड़ ठीक है, मा से बनता है ऐसे मगड़ है, ऐसे ता से बनता है आपका तगड़ ऐसे ही बनते हैं, जा से बनता है आपका जगड़, क्या बनता है ज
जगड़ ऐसे ही बनते हैं, बनते है? तो यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ बनते हैं। अब यगड़ में ये कितने वर्ण है, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, ये एक गढ़ है, ये भी एक गढ़ है, ये भी एक गढ़ है, ये भी एक गढ़ है। अब एक गढ़ में कितने वर्ण है, कितने अक्षर है, एक दो तीन, तो तीन अक्षरों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। गढ़ किसे कहते हैं, तीन अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, ठीक है। तीन अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, तीन बेर खाती थी, कितनी बेर, तीन बेर खाती थी और वे तीन बेर खाती, तो यहाँ तो तीन बेर की बात है, बेर आपका जो फल है ना, उसकी बात है, और कितनी बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, है ना। तो तीन शब्द कितने बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, और हर बार उसका अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं कैसा है, अलग अलग है ना। यस, तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है, तो बताएंगे कौन सा है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या रूपक है। ना, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो इसमें आपका कौन सा, श्लेष अलंकार है, कौन सा, श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा, ठीक। अगला, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, कितने पाकिस्तान के उपन्यास के लेखक, राजेंद्र कुमार हैं या फिर आपके कमलेश्वर हैं या सत्य प्रकाश हैं या फिर कुशवंत सिंह हैं, तो कौन से है, इसके कमलेश्वर हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक, कमलेश्वर जी हैं। सूर्योदय में समास, द्विगु समास है, द्वंद समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है ना। सूर्योदय इसका मतलब सूर्य का उदय, सूर्योदय का मतलब है सूर्य का उदय, तो सूर्य का उदय होना, तो यहाँ पे बीच में आ रहा है क्या, काकी के, तो आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति, संबंध तत्पुरुष समास, सूर्योदय में समास बताइए तो सूर्य का उदय तत्पुरुष समास है। इंद्राणी का पर्यायवाची, राधा, मीरा, गौरी या सची। इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी, और इंद्र की पत्नी को आप जानते हो सची कहा जाता है, क्योंकि जो इंद्र है इंद्र को सचीपति कहा जाता है, इंद्र को क्या कहा जाता है, सचीपति कहा जाता है, सचीपति किसे कहा जाता है, इंद्र को, इसका मतलब ये इंद्र की पत्नी है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सची, तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन सही है ना। हाँ, ये आप लोगों ने पैसेज किया ही होगा, ठीक है। हाँ, तो पैसेज आप लोगों ने किया होगा, हमारी सामाजिक मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, तो आप लोगों ने किया होगा, नैतिक शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभाव, तो इसका आंसर कौन सा टिक करेंगे, ए वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा, नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा, छात्रों के चरित्र संस्कार के अभाव का, या छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण का, या छात्रों में धार्मिक जानकारी का, संघर्ष की प्रवृत्ति के विकास का, तो छात्रों को, छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण का निर्माण होगा नैतिक शिक्षा से, तो नैतिक शिक्षा मिलने से लाभ को क्या, समाज को क्या लाभ है, कि छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण होगा, है ना। यस, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला जो है वो सही है ना। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, जीने की कला है ये, या शिक्षा का अर्थ है, या शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं, या नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, तो कौन सा है, नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, तो 68 का आपको करना है कौन सा, डी, है ना। शिक्षा का अभिप्राय है जिंदगी में कुछ बनने की कला, ये अभिप्राय है, धनार्जन की कला, ये अभिप्राय है, जीना सीखने की कला, ये अभिप्राय है, या फिर आपका सब बनने की कला। शिक्षा का अभिप्राय क्या है, तो शिक्षा का अभिप्राय जीवन में, जिंदगी में कुछ बनने की कला, कुछ बनना आवश्यक है, या धनार्जन करने की कला है, धन का अर्जन करो, या फिर जीना सीखने की कला, या फिर सब बनने की कला, तो शिक्षा का अभिप्राय जीना सीखने की कला है, ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है।
समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाओं से ही शिक्षा की गुणात्मकता का बोध होता है। यह संस्थाएं शिक्षार्थियों को उपाधि पत्र प्रदान करती हैं, इसलिए यह संस्थाओं में ही शिक्षार्थी पढ़ लिख कर होनहार बनते हैं, इसलिए यह संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। अरे बिल्कुल यही फोर्थ ही सही है, संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं, इसलिए समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं। हतोत्साह का विपरीत अर्थी शब्द, तो हतोत्साह का मतलब होता है किसी के मनोबल को गिराना, है ना। जब किसी का मनोबल गिरा हुआ होता है तो हतोत्साह होता है, तो हतोत्साह का विपरीत अर्थ प्रोत्साहन क्या हो जाएगा। हाँ, उत्साह नहीं करना बेटा, प्रोत्साहन, प्रेरणा भी नहीं, अभिप्रेरणा भी नहीं, क्या प्रोत्साहन मिलता है ना। ये अगला है, निम्न में से आ उपसर्ग वाला शब्द बताइए। तो आ उपसर्ग ये अति आवश्यक है, तो ये अति आवश्यक इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, अत्यावश्यक, ये अत्यावश्यक, तो अत्यावश्यक में यहाँ निकल रहा है अति, अति धन आवश्यक, इन्होंने पहले ही से ओपन करके दे दिया अति धन आवश्यक, है ना। तो अति इसमें उपसर्ग है, इसमें तो अति है। अनुशासन में अनुधन, अनु धन शासन, तो इसमें क्या है, इसमें तो आपका अनु उपसर्ग है। अध्यात्म, अध्यात्म गलत लिखा है, ये अध्यात्म है, ठीक है, अध्यात्म, तो अध्यात्म में उपसर्ग कैसे निकालोगे, अध्यात्म, ये तो अध्यात्म उपसर्ग ऐसे, आदि इसका संधि विच्छेद करेंगे, आदि धन आत्म, आदि धन आत्म, आदि में क्या है ई, और यहाँ क्या है आ, तो ई का क्या हो जाता है या, तो या बन के तैयार हुआ। आगे यहाँ पे आ है और यहाँ धी में से ई चलेगी, आधा धा बचा, और वहां क्या यात्म, तो क्या बना अध्यात्म, क्या बना अध्यात्म बना, तो अध्यात्म में आदि उपसर्ग है, कौन सा आदि उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा असंभव, तो आ धन संभव, आ धन संभव, तो इसमें क्या है असंभव में आ उपसर्ग है, कौन सा आ उपसर्ग किसमें, असंभव में। नागरिक का विलोम शब्द सामाजिक होगा या फिर ग्रामीण या राष्ट्रीय या ये सभी, तो नागरिक का विलोम ग्रामीण हो जाएगा, जो नगर में रहता है वो नागरिक हो गया, जो ग्राम में रहता है, गांव में रहता है, वो ग्रामीण हो गया, ठीक है। अच्छा, चरित्र निर्माण में उपयुक्त प्रयुक्त समास है, चरित्र निर्माण में, ये चरित्र निर्माण जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, जो चरित्र निर्माण का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो ऐसे करेंगे, चरित्र का निर्माण, क्या करेंगे चरित्र का निर्माण, तो चरित्र का निर्माण इसका मतलब बीच में क्या आ रहा है, काकी के, काकी के किसमें आता है संबंध तत्पुरुष में, तो संबंध तत्पुरुष ऑप्शन है, हाँ संबंध तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह होता है का, आपने पढ़ा होगा की, के, रा, री, रे, रा, री और रे, ये होते हैं ये नानी ने, तो संबंध तत्पुरुष आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यस। कर्म तत्पुरुष का आप जानते हो इसमें को होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, करण में विभक्ति चिन्ह आप जानते हो से होता है, और अपादान में भी विभक्ति चिन्ह से होता है, अलग का भाव देता है कि नहीं, अलग होने का, तो यहाँ पे का लिखा है इसलिए ये हो जाएगा। भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं, भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी अपनी बात समझने और अपनी बात कहने में क्या होते हैं, समर्थ हो जाते हैं, भाषा शिक्षण के माध्यम से समर्थ होते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, अपनी बात को रखने योग्य बन जाते हैं, तो समर्थ होते हैं, ना कि असमर्थ होते हैं, उद्दंड होते हैं, संकोची होते हैं, सही ऑप्शन का है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक, यस, है ना। तो आज फिर अपना इतना ही रहेगा, है ना, आपका पूरा जो है मैंने हिंदी का पूरा आपका फिनिश करा दिया, और फिर मिलते हैं कल, जय हिंद।